मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर तीर्थयात्रियों से भरी टूरिस्ट बस पलट गई। इस हादसे में 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 4 यात्री गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। यह हादसा सिलवानी के जमुनिया घाटी का है, जहाँ पर तीर्थयात्रियों से भरी एक बस गंगा सागर से लौट कर नरसिंहपुर जा रही थी। इस दौरान जमुनिया घाटी के पास बस पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे।